सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग देख रहे हैं हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देख लिए हैं। अभी हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, किस प्रकार के क्वेश्चन थे। जैसे कि देखिए, यहाँ पर 91 नंबर का क्वेश्चन मौसमी बेरोजगारी संबंधित है, तो ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में तो मौसमी बेरोजगारी नहीं हो सकता, सिर्फ कृषि क्षेत्र में यहाँ पर हो सकता है। आगे देखते हैं, दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है? तो देखिए, सुरमा नदी के तट पर। सुरमा नदी जो है आपके असम से निकलते हैं और ये वेस्ट बंगाल होकर बांग्लादेश में चले जाते हैं। तो ये जो सुरमा नदी है बांग्लादेश की बहुत ही प्रमुख नदी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93 आपका, निम्न में से किस प्रावधानों के कारण भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है? तो देखिए, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होता है, ए बी सी एफ जी। तो इसी को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, ए में दिया गया है न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, तो ये सही है। न्यायाधीशों का वेतन उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जाता, तो ये भी सही है। न्यायाधीशों की पद नियुक्ति की प्रक्रिया कठिन है, तो ये भी सही है। फिर देखिए यहाँ पर एफ और जी, तो भारत में संविधान सर्वोच्च है, तो आप सभी को बताया कि संविधान ही सर्वोच्च है भारत में, और भारत राज्यों का एक संघ है, तो राज्यों का एक संघ है भारत, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो सही है तो तार्नेडो जो है ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो है तूफान का नाम है तार्नेडो, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अक्सर आता है, इस कारण यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए ऐतिहासिक पदयात्रा प्रारंभ की? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका, 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किए और 6 अप्रैल 1930 को वहां पर नमक कानून तोड़ा, तो ये आपको पता ही होगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 96, निम्न में से कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिया गया है? तो ए बी सी तीनों यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर सही आंसर है। अब ये आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, व्यापम के द्वारा लिया गया आंसर है, तो ये सभी आंसर जो है सही आंसर है, इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र अतिशीघ्र बताए जाने का अधिकार, तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव का अधिकार, ये भी आपके अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। फिर है, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों के भीतर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, तो ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 97, अंडमान द्वीप समूह के सुसुप्त ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो देखिए, जो हमारे सुसुप्त ज्वालामुखी है या एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर सही होगा। बैरन द्वीप जो है अंडमान द्वीप समूह का सुसुप्त या फिर सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाता है यहाँ पर, सिंगापुर। तो सिंगापुर से उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया था। पहले ये कहाँ थे, टोक्यो में थे, फिर उन्हें बुलाया गया सिंगापुर और इन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया वहां से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, 2011-12 की नई श्रृंखला पर वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्रियाओं का सफल मूल्यवर्धित आय में क्या हिस्सा है? अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका 2011-12 के बेसिस पर 2014-15 के भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सकल मूल्यवर्धित आय है उससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा, 17.6%। तो अगर अभी आप एग्जाम दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन के आधार पर आप अभी का देख सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है मूल्यवर्धित आय जो है, सकल मूल्यवर्धित आय, और उस प्रकार आप अपनी तैयारी रख सकते हैं। यहाँ से आपको सिर्फ ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पर
अरब सागर के सभी द्वीपों का उद्भव प्रवाल से हुआ है, यह द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरे है। तो ये जो है देखिए ऑप्शन नंबर डी, कथन ए सत्य है लेकिन कथन बी असत्य है। यहाँ पर कथन बी जो है वो असत्य है। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 101 है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी पर। तो मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल नदी जो कि जाके यमुना नदी पर मिल जाती है। तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? देखिए जोड़ी सही नहीं है तो मीनाक्षी मंदिर का कावेरी नदी के साथ जोड़ी सही नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए अजंता जो है चित्र तथा मूर्ति के लिए है जाना जाता है। महाबलीपुरम तो महाभारत की घटनाएं यहाँ हुई थी इसलिए जाना जाता है। खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेला में है तो ये भी इसलिए जाना जाता है। तो चंदेला का खजुराहो का मंदिर इस नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए वर्ष 2013 में भारत के लैंगिक विकास सूचकांक क्या है? देख सकते हैं आप यहाँ पर जो रैंकिंग है, सूचकांक है या इंडेक्स है उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी 0.828 ये जो था यहाँ पर सूचकांक था। यहाँ पर रैंकिंग नहीं पूछा गया है। देखिए यहाँ पर सूचकांक का यहाँ कितना अंक मिला है वो पूछ दिया गया है। तो दोनों चीज को आप याद रखिएगा। अगर भारत का स्थान मान लीजिए यहाँ पर 132 हो तो 132 को भी याद रखिएगा और जो पॉइंट है उसे भी आपको याद रखना है ताकि इससे क्या है आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमा अधिदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, लेख और अधिकार प्रेक्षा जारी करने का अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। देखिए मैंने पहले भी बताया था आपको अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है मौलिक अधिकार से संबंधित। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से है और अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, इस बात को भी याद आप रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत में कौशल युक्त कार्य शक्ति का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी 2%। अब ये रिपोर्ट कब का है? 2014 का। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी का भी देख सकते हैं रिपोर्ट, अभी जो नया रिपोर्ट अपडेटेड होगा उसको। आगे बढ़ते हैं। 69वां संवैधानिक संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में सही क्या है? तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में कोई भी नहीं है तो आप इसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसे तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 107 है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्ति युक्त निर्बंध है? तो देखिए यहाँ पर बस स्टैंड के लिए स्थान नियत करना ये है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। एक निश्चित कारखाने में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना, किसी व्यापार के लिए लाइसेंस शुल्क निर्धारित करना, ये सभी यहाँ पर शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य जो है हम्पी में स्टेब्लिश हुआ था, वहां स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपने पढ़ाई होगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में, अगर नहीं पढ़ा तो कुछ समय बाद हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सारे चीज पढ़ने को मिलेगा। 109 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा सिंचाई तथा उद्योग क्षेत्रों में शासकीय निवेश की अनुशंसा की गई? तो ऑप्शन नंबर डी बंबई योजना। तो 8 उद्योगपति के द्वारा एक योजना लाई गई थी जिसे कहा गया बंबई योजना। और ये स्वतंत्रता के पश्चात देखिए किस चीज के लिए सिंचाई तथा उद्योग के क्षेत्रों में शासकीय निवेश की अनुशंसा की गई थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के लिए कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 255.6 मिलियन टन का। तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान से पूछे गए थे हॉस्टल वार्डन के एग्जाम 2016 में वो कंप्लीट हो जाते हैं।
हॉस्टल वार्डन के क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। पहले भी हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, लेकिन अभी हम आपको फिर से पढ़ा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आपको वीडियो मिलते रहे तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।